वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 6 ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो तो पहले उन क्लासेस को देख लीजिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको टॉपिक को सीखने में बहुत आसानी मिलेगी और आप लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन को सीख पाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री माइनस का कॉस 60 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम लोग फ्रेंड्स दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है वो मैं आप पहला मेथड हम लोग डायरेक्ट मान रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए पहले पहले मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 60 का मान हमारा अंडर रूट 3/2 होता है। कितना होता है? अंडर रूट 3/2 इंटू में कॉस 30। और कॉस 30 का मान कितना होता है दोस्तों? अंडर रूट 3/2 माइनस कॉस 60। कॉस 60 का मान होता है फ्रेंड्स 1/2 इंटू साइन 30। साइन 30 का मान होता है फ्रेंड्स 1/2। अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे दोस्तों 3 हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस का 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3/4 लिखा है और यहाँ पे 1/4 लिखा है, तो 3 में से 1 घटाएंगे हम लोग कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा और नीचे सेम रहेगा। अब 2 से 4 भी हमारा कट जाएगा तो अपना जो आंसर आ गया वह क्या आ गया? 1/2 आ गया। और अब हम लोग दूसरा मेथड सीख लेंगे। दूसरा मेथड है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप यहाँ क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। 60 को हम लोग ए मान लेते हैं और 30 को हम लोग बी मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप लोग और भी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ए और बी का मान रख देंगे हम लोग। ए का मान है हमारा 60 और बी का मान है हमारा 30। और सब 60 में से 30 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? साइन 30। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। अगर आप लोग फार्मूला से लगाएंगे तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आप देख के ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो हम लोगों को दोनों मेथड से क्वेश्चनों को आना चाहिए। जैसा भी एग्जाम में जल्दी होगी हम लोग उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 10 30 अंश इंटू में कॉसेक 60 अंश प्लस 10 60 अंश इंटू में सेक 30 अंश। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मानों को रखेंगे। तो 10 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/√3 इंटू में कॉसेक 60 का मान। कॉसेक 60 का मान कितना होता है दोस्तों? 2/√3। ठीक है, प्लस 10 60 और 10 60 की वैल्यू होती है √3 इंटू में सेक 30 और सेक 30 का मान होता है 2/√3। तो देखिए फ्रेंड्स ये रूट थ्री से ये रूट थ्री हमारा कट गया। अब तो कुछ कट नहीं रहा है हमारा, तो अब हम लोग गुणा कर लेंगे। 2/√3 और √3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा प्लस का 2। अपॉन में हम लोग 1 लिख देते हैं तो एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 प्लस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आ गया वह कितना आ गया? 6/2 8 आ गया, 8/3। यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, सिर्फ मानों को हम लोगों को रखना था और कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालना था। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखा है साइन स्क्वायर 30 अंश इंटू में कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 tan² 30 अंश प्लस 1/2 sin² 90 अंश प्लस 1/8 cot² 60 अंश
इसका मान हम लोगों को पूछा है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है ये। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी के मानों को रखेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और इसका होल स्क्वायर इंटू में कॉस 45, इसका मान 1/√2 होता है, इसका भी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 10 30 अंश, और 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 अंश, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू में कॉट स्क्वायर 60 अंश, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब सभी के स्क्वायर हम लोग खोल देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 गुणे 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 का 1 का गुणा कर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 1/8 इंटू में 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। अब सबका गुणा कर लेंगे, 4 × 2 = 8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 8 × 3 = 24। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सभी का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है हमें, 24, और 24 सभी से कट जाएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। अब 8 का 24 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 8 × 3 = 24, 3 × 8 = 24, 8 बार गया, और 8 का 4 में गुणा करेंगे, 8 × 4 = 32, प्लस 2 का 24 में भाग देंगे, 12 बार जाएगा, 24 का 24 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, 32 और 3 = 35, 35 और 10 = 45, 45 और 2 = 47 और 1 = 48, 48/24, और 24 से 48 हमारा कट जाएगा, 24 × 2 = 48, तो अपना जो आंसर आ गया फ्रेंड्स वह 2 आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, कुछ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बस थोड़ा कैलकुलेशन थी, हम लोगों ने इजी तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो अपना आंसर हाली आ गया, वो भी आसान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कॉस 60 इंटू में कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू में साइन 30। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसे हम लोग बी मान लेते हैं, और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, कॉस ए कॉस बी, मैं लिख देती हूँ आप लोगों को लर्न हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ यही तो लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हमारा किसका फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। अब हम लोग ए का मान रख देंगे, ए का मान है 60 और बी का मान है 30, और 60 और 30 कितने होते हैं दोस्तों, 90 हो जाते हैं, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की जो हमारी वैल्यू होती है फ्रेंड्स वह 0 होती है, तो अपना जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने कितने शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, अगर आप लोग सारे मान रख के भी सॉल्व करते तब भी अपना आंसर 0 ही निकलता। चलिए उस ट्रिक से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अपना फर्स्ट मेथड तो ये हो गया और सेकंड मेथड भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान कितना होता है, 3/√2 होता है, माइनस साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, 3/√3 इंटू में साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखिए दोस्तों दोनों टर्म्स एक ही जैसे तो लिखे हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में है, और प्लस माइनस हमारा कट जाता है, तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। हम लोगों ने ऐसे भी अपना मान निकाल लिया और ऐसे भी अपना मान निकाल लिया, दोनों मेथड अब हम लोगों को अच्छे से आ गए हैं, तो हम लोग एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये दोनों मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, 10 1 डिग्री इंटू में 10 2 डिग्री इंटू में 10 3 डिग्री अप टू .. 10 89 डिग्री बराबर ? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लेवल के लिए, और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स ये जो 10 लिखा है ना, ये 10 हमारा बिल्कुल 89 तक लिखा है, जैसे 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, मतलब ये पूरी गिनती हमारी 10-89 अंश तक लिखी है, इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया है। अब इसको हम लोग फ्रेंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए आज हम आपको एक शॉर्ट मेथड से इसको सिखाते हैं। अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ कितना लिखा है 10 एक अंश, और हम लोगों को दोस्तों सभी को 90 अंश बनाना है, ठीक है। तो हम लोग उसमें ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि इसका जोड़ने से हमें 10-90 अंश बन जाए। तो देखिए यहाँ 10 एक अंश लिखा है, और एक अंश में कितना अंश जोड़े हम लोग कि ये हमारा 10 अंश हो जाए। तो अगर 89 अंश से हम लोग गुणा कर देंगे तो 89 और एक 90 हो जाता है। हमें बस अपने मन में 90 बना के रखना है, जोड़ना प्लस का साइन किसी में नहीं लगाना है, साइन तो हमारा इंटू का ही लगेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें गुणा में दिया गया है, तो साइन भी हमारा गुणा का लगेगा। लेकिन मन में हमें बना के रखना है कि हमें कैसे भी करके 90 बन जाए। तो देखिए एक का गुणा 89 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 तक हमारी संख्या दी गई है। अब हम लोग किसका गुणा करेंगे, अब हम लोग 10-2 का करेंगे, इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए दोस्तों 10-2 में कितना गुणा करें कि ये हमारा 90 बन जाए। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर हम लोग 88 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये हमारा 90 अंश बन जाएगा। मतलब जोड़ना है मन में और यहाँ पे गुणा का साइन लगाना है, 88 और 2 90 हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे हम 10-3 का भी अगर करना चाहें तो 10-3 अंश मन में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10-87 अंश, 87 और 3 90 अंश हो जाता है, हो जाता है दोस्तों। ऐसे हम लोग आगे भी करते चले जाएंगे, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम लोग डॉट 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 लगा देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बीच का पॉइंट देखेंगे कि कौन सा पॉइंट से हमारा 90 बन जाएगा। 10-44 अंश इंटू में 10-46 अंश, देखिए इससे हमारा 90 बन रहा है। 10-44 अंश इंटू में 10-46 अंश, 6-4-10 की 0 हासिल लगी 1, 4-4-8 और 1-9, देखिए 10-44 अंश इंटू में 10-46 अंश से भी हमारा 89 अंश बन रहा है। तो 46 अंश और 44 अंश तक हमारी सारी संख्या यहाँ पे लिख गई, कौन सी एक संख्या बची, संख्या में एक भी नहीं छोड़नी है, तो एक हमारी जो संख्या बच गई दोस्तों वो 10-45 अंश बच गई, बताइए बच गई। देखिए यहाँ 44 अंश तक सीधा सीधा चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उल्टे से जब हम लोग चलेंगे 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, तो ये हमारा 46 अंश तक आ जाएगा। तो जो एक संख्या बच जाएगी वह 10-45 अंश हमारी बच जाएगी, बताइएगा बचाएगी कि नहीं बचेगी, बचेगी ना दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 10 एक अंश और 10-89 अंश को फ्रेंड्स हम लोग 10-90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बताइए 10-90 माइनस 1 लिख सकते हैं, 90 में से एक घटाएंगे तो हमारा 89 बचेगा। ऐसे ही हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, इंटू में 10-2 अंश इंटू में 10-90 माइनस 2 अंश लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10-3 अंश इंटू में 10-90 माइनस 3 अंश, देखो 90 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारा 87 बचेगा, बचेगा दोस्तों। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे, 10-44 अंश इंटू में 10-90 माइनस 44 अंश, ठीक है। तो 90 में से हम लोग 44 अंश घटाएंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा 10-46 अंश बचेगा, बचेगा। अब हम और लास्ट में क्या बचा हमारा, 10-45 अंश बचा, इसको हम लोग अलग लिखेंगे और इन सबको अलग लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 10 एक अंश और 10-90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, 10-90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का मान कितना है एक अंश, ठीक है। इंटू में 10-2 अंश इंटू में 10-90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 2 अंश, ऐसे ही हम लोग करते चले जाएंगे डॉट डॉट डॉट, 10-44 अंश इंटू में कॉट 44 अंश, अब पूरे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारा 10-45 अंश, ठीक है। और ये कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, तो इससे ये हमारा कट जाएगा, सारे टर्म्स हमारे कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 10-45 अंश बचेगा, और 10-45 अंश का मान होता है दोस्तों 1, होता है 1,
यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो अपना जो आंसर आया वह बहुत शॉर्ट मेथड से आ गया। क्या था क्वेश्चन? कुछ नहीं था, क्वेश्चन बस देखने में डरावना लग रहा था और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी था, लेकिन जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये इतना कठिन नहीं रहा। बस इसको हमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि कैसे भी करके ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को 90 तक पहुंचाना है। अगर हम लोग 90 तक बना लेंगे फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन हमें दिया गया था 10 एक अंश इंटू में 10 टू अंश इंटू में 10 थ्री अंश अप टू डॉट 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 10 89 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ एक अंश तो दिया गया, इसमें कितना अंश और हम लोग जोड़े मन में कि ये हमारा 90 के करीब बन जाए, तो हमने देखा कि हमें 89 अंश तक की वैल्यू दी गई है, तो इसमें हम लोगों ने 89 अंश का गुणा कर दिया, क्योंकि सभी संख्याएं गुणा में है तो साइन हमारा गुणा का ही आएगा। और 10 टू अंश में हमने 88 का कर दिया, 10 थ्री अंश में हम लोगों ने 87 का कर दिया, अब टू डॉट 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 जब सीधा चलेंगे दोस्तों तो ये हमारा 10 44 अंश तक बचेगा, और उधर से जब उल्टा चल के आएंगे तो 10 46 अंश बचेगा, जो हमारा एक टर्म बच जाएगा वह 10 45 अंश बच जाएगा। तो इसे हम लोगों ने अलग रख लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, 10 एक अंश तो सेम बना रहा और 10 89 अंश को हम लोगों ने 10 90 माइनस थीटा लिख लिया। और 90 माइनस थीटा कैसे लिखा, 89 अंश में से जब 90 में से हम लोगों ने एक घटाएंगे तो ये हमारा 89 अंश हो जाएगा। हो जाएगा, अब क्या किया आगे का भी ऐसे ही हम लोगों ने सेम कर लिया, 10 टू अंश इंटू में 10 90 माइनस थीटा, 10 थ्री अंश इंटू में 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, और 10 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है एक, इसमें भी थीटा की वैल्यू कितनी है दो है, इसमें कितनी है 44 है, तो ये सारे टर्म्स हमारे कट जाएंगे क्योंकि 10 का उल्टा ही हमारा कॉट हो जाता है, जो एक टर्म बचेगा वह हमारा 10 45 अंश बचेगा, और 10 45 अंश का जो मान होता है दोस्तों वह एक होता है, तो अपना जो आंसर चलेगा वह कितना चलेगा, एक चलेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 10 50 अंश प्लस sec 50 अंश अपॉन में cot 40 अंश प्लस cosec 40 अंश प्लस cos 40 अंश इंटू में cosec 50 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ 10 50 अंश लिखा है, और 10 50 अंश को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 10 90 माइनस 40 अंश लिख सकते हैं बताइए, हाँ लिख सकते हैं। और sec 50 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, sec 50 को हम लोग sec 90 माइनस 40 अंश लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अपॉन में cot 40 अंश इंटू में cosec 40 अंश, इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग जैसे का तैसा ही लिख देंगे, cosec 40 अंश प्लस यहाँ क्या लिखा है cos 40 अंश इंटू में cosec 50 अंश, तो cos 40 हम लोग सेम रखेंगे और cosec 50 अंश को हम लोग लिख देंगे cosec 90 माइनस 40 अंश, ठीक है। चलिए और 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, cot थीटा हो जाएगा, तो cot 40 अंश प्लस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो जाएगा cosec 40 अंश। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने नीचे क्यों चेंज नहीं किया था, क्योंकि हमारा ये अंश से हर अब कट जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया था। प्लस का cos 40 अंश और cosec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, sec 40 अंश, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे और इससे ये हमारा कट गया, कट गया, तो क्या बचा हमारा एक बचा, और cos 40 अंश को हम लोग sec 40 अंश को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos 40 लिख सकते हैं, क्योंकि cos का ही उल्टा हमारा sec होता है, तो cos 40 से cos 40 भी हमारा कट गया। अब हमारा क्या बचा, एक तो ये पहले का बचा और इससे भी हमारा क्या बच गया, एक बच गया, तो एक और एक कितना हो जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा, और अपना जो आंसर चलेगा वह कितना चलेगा, दो चलेगा, यही अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसके मान हम लोगों को ना पता हो, तो हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि हम लोगों को इसको 90 से घटा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।
तो हमने देखा कि टेन 50 अंश प्लस sec 50 अंश लिखा था और नीचे 40 लिखा था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, टेन 90 माइनस थीटा करा, इसमें भी टेन 90 माइनस थीटा किया और टेन 90 माइनस थीटा हमारा cot थीटा हो गया, cot 40 अंश प्लस cosec 40 अंश अपॉन में cot 40 और cosec 40 हमें क्वेश्चन में दिया गया था, इससे ये हमारा कट गया। हमने देखा यहाँ cos 40 है तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर देंगे, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो गया और cos का उल्टा ही हमारा sec हो जाता है, तो इससे ये भी हमारा कट गया। तो जो बचा वह क्या बचा, एक बचा और एक कितना हो गया दोस्तों, दो हो गया और अपना जो आंसर आ गया वह कितना आ गया, दो आ गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2 sin² 53 अंश प्लस का 1 प्लस 2 sin² 37 अंश अपॉन में 3 cos² 27 अंश माइनस का 2 प्लस 3 cos² 63 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 2 sin² 53 अंश इसको हम चेंज नहीं करेंगे, प्लस का 1 प्लस का 2 इसको हम लोग चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 53 अंश। और जब 90 में से हम लोग 53 घटाएंगे दोस्तों तो हमारे 37 बचेंगे अपॉन में 2 अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर 27 अंश माइनस का 2 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर 63 अंश को हम लोग कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 63 अंश को हम लोग साइन 90 माइनस 27 अंश लिख सकते हैं, बताइए यही तो लिख सकते हैं। हम लोगों ने 63 को कितना लिख दिया, साइन कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 अंश। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। प्लस का 2 और फ्रेंड साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारा कॉस थीटा, इसमें स्क्वायर लगाए तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53 अंश, ठीक है। अपॉन में 3 cos² 27 अंश माइनस का 2 प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 27 अंश, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमारा लिखा है 2 sin² 53 अंश और यहाँ हमारा लिखा है 2 cos² 53 अंश, तो इसमें बताइए कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, हाँ आ रहा है, 2 हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर हमारा ब्रैकेट का क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 53 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 53 अंश बचेगा और प्लस का 1 अपॉन में भी हमारा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश प्लस का माइनस का 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस का 2। और फ्रेंड्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन में सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस का 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे दोस्तों 1 हो जाएगा, तो अपना जो आंसर निकल के आया वह कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट मेथड से इसको सॉल्व किया और अपना आंसर बहुत इजी वे में निकल आया, कुछ भी टफ आप लोगों को नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन में, काफी इजी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बस क्वेश्चन लेंथी है, थोड़े से ट्रिकी है लेकिन इसका कैलकुलेशन टफ नहीं है, जब सॉल्व करोगे आप लोग अच्छे मन से तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट लग रहा हो तो आप लोग रिवाइज करके देख सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कॉस स्क्वायर 20 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 70 अंश अपॉन में सेक स्क्वायर 40 अंश माइनस का कॉट स्क्वायर 50 अंश प्लस का 2 कॉसेक स्क्वायर 58 अंश माइनस का 2 कॉट 58 अंश इंटू में 10 32 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। काफी लेंदी क्वेश्चन है लेकिन हम लोग बहुत आसान से सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालेंगे। चलिए कॉस स्क्वायर 20 अंश हम लोग सेम रखते हैं और कॉस 70 अंश को हम लोग चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस 20 अंश
ठीक है दोस्तों। और स्क्वायर लगा है तो हम लोग पूरे का होल स्क्वायर भी लगा देंगे। अपॉन में सेक स्क्वायर 40 अंश माइनस कॉट 90 माइनस 40 अंश, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 58 अंश है माइनस का 2 कॉट 58 अंश है। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग ये सेम रखेंगे 2 कॉसेक स्क्वायर 58 अंश माइनस का 2 कॉट 58 अंश इनटू में 10 32 अंश को हम लोग चेंज कर देंगे 10 90 माइनस। अब 32 में से कितना घटाएंगे 58 मतलब कितना हम लोग घटना है कि ये हमारा 32 हो जाए, तो अगर हम लोग 58 अंश घटा देंगे तो ये हमारा 10 32 अंश ही बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर 20 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 20 अंश अपॉन में सेक स्क्वायर 40 अंश माइनस कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर 40 अंश प्लस 2 हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर 58 अंश माइनस कॉट 58 अंश और टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों कॉट थीटा हो जाएगा इनटू में कॉट 58 अंश से अच्छा है लिखना तो हम लोग इसको स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है क्या। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट 58 अंश यहाँ पे भी लिखा है तो दो बार लिखने से अच्छा हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अपॉन में साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू दोस्तों 1 होती है, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अथवा हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब टेन स्क्वायर थीटा यहाँ ले आएंगे तो हमारा इसका जो मान आ जाएगा वह 1 आ जाएगा प्लस का 2 और दोस्तों cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों उसकी वैल्यू भी हमारी 1 हो जाती है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सारे समीकरण पढ़े थे, अगर आप लोगों को लर्न ना हो तो आप लोग बेसिक क्लास में जाके देख सकते हैं ये सारे समीकरण की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, ठीक है। एक अपॉन में एक एक हो जाएगा प्लस का 2, दो में एक का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जबकि काफी लेंथी क्वेश्चन था, देखने में भी लग रहा था कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जब सॉल्व किया तो बताइए कहीं कठिन आप लोगों को लगा क्वेश्चन, कुछ नहीं लगा। आप लोगों को बस ये देखना है कि हम लोग ऐसे कौन से टर्म को चेंज करें जो हमारा कोई फार्मूला बन जाए जिसका वैल्यू हमारी 1 बन जाए, हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कॉस 58 अंश अपॉन में साइन 32 अंश प्लस साइन 42 अंश अपॉन में कॉस 48 अंश माइनस कॉसेक 38 अंश इंटू में कॉसेक 52 अंश अपॉन में टेन 18 अंश टेन 45 अंश इंटू में टेन 72 अंश का मान क्या होगा। मैंने आप लोगों के लिए काफी अच्छे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चनों को भी आज की क्लास में सारे लिए हैं, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन को लगाने में टफ ना लगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कॉस 58 अंश को हम लोग सेम रखेंगे और साइन 32 अंश को हम लोग चेंज कर देंगे, साइन 90 माइनस 58 अंश, ठीक है, प्लस साइन 42 अंश और इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे कॉस 90 माइनस 48 अंश, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कॉस 38 अंश को हम लोग सेम रखेंगे और कॉस सेक 52 अंश को हम लोग चेंज कर देंगे कॉस एक 90 माइनस 38 अंश, ठीक है, अपॉन में टेन 18 अंश को हम लोग सेम रखेंगे और टेन 72 अंश को हम लोग चेंज कर देंगे, 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18 अंश लिख सकते हैं इनटू में टेन 45 अंश का मान हमें पता है तो टेन 45 हम लोग सेम का सेम रख देंगे
अब देखिए दोस्तों क्या बचा हमारा, कॉस 58 अंश अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया। ये देखिए कॉस 58 अंश प्लस साइन 42 अंश, कॉस 90 माइनस थीटा साइन यहाँ पे फ्रेंड्स 42 अंश होगा। ठीक है, मैंने 2 के साथ 48 लिख दिया लेकिन 42 होगा, जब 90 में से हम लोग 42 घटाएंगे तभी तो हमारा 48 आएगा। तो यहाँ हो गया साइन 42 अंश माइनस कॉस 38 अंश, और कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, सेक हो जाएगा, सेक 38 अंश अपॉन में टेन 18 अंश, और टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 18 अंश और टेन 45 अंश। टेन 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, एक होता है, तो हम लोगों ने इसका मान रख दिया। देखिए कॉस 58 से कॉस 58 हमारा कट गया, साइन 42 से साइन 42 हमारा कट गया, और कॉस 38 सेक 38 का ही उल्टा होता है, तो इससे ये भी हमारा कट जाएगा। टेन 18 कॉट 18 का उल्टा होता है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो अपना बचा क्या, यहाँ से हमारा एक बचा, और यहाँ से हमारा कितना बचा, यहाँ से भी हमारा एक बचा, माइनस यहाँ से कितना बचा दोस्तों, वन अपॉन में वन, यही तो बचा। जब हम लोग ऊपर अंश से हर काटते हैं तो उसका मान हमारा एक बचता है, कभी भी जीरो नहीं बचता, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, टू और वन प्लस वन टू हो जाएगा, माइनस का वन बराबर अपना जो आंसर आ गया वह कितना आ गया, वन आ गया। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व किया। देखिए क्वेश्चन कितना हैवी लग रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना इजी सॉल्व होगा हम लोगों का। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस आपको एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, इन दोनों में से हमेशा दोनों मानों को कभी चेंज नहीं करोगे, अगर दोनों मानों को चेंज कर दोगे तो आपके एक भी टर्म्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अंश को चेंज कर रहे हो तो हर को मत चेंज कीजिए, और हर का चेंज कर रहे हो तो अंश को चेंज मत कीजिए। ठीक है, ऐसे हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को कौन से टर्म को चेंज करना है, 90 माइनस थीटा बनाना है, और हमारे कौन से टर्म कट जाएंगे। जब आप लोग ये चीज सीख जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग सीख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 50 प्लस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, देखिए साइन 50 प्लस थीटा हम लोग सेम रखेंगे और कॉस को हम लोग चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 50 प्लस थीटा। अब देखिए दोस्तों ये प्लस का साइन 50 प्लस थीटा लिखा है और ये माइनस का साइन 50 प्लस थीटा लिखा है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, तो अपना जो आंसर बचेगा वह कितना बचेगा, जीरो। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह जीरो हो जाएगा। आज हम लोगों ने सारे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मानसी स्टडी चैनल, थैंक यू दोस्तों।